नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज पेपर सिक्स देखेंगे, निबंध से संबंधित होता है ये, ठीक है। और एमपीपीसी स्पेशल मेंस 2019 के आज पेपर पूरे समाप्त होते हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसका जुलाई तक आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। 2020 वालों के इंटरव्यू की तो शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हैं, तो देखिए उन लोगों से कांटेक्ट अगर है आप लोग का तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग भी आपको उसी प्रकार से उन लोगों से कांटेक्ट करके आप लोग को सहायता करेंगे जिनका भी इंटरव्यू है, ठीक है। और जो लोग सिलेक्ट हो गए उन लोग की भी मदद की जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तो उसी हिसाब से नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। और 2021 का जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी 2 मिनट बात कर ली जाएगी इस वीडियो में। आज का पेपर देख लीजिए, यहाँ पे निबंध लेखन लिखा हुआ है और कौन कौन से टॉपिक आए थे देख लेते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। पहला तो 1000 शब्दों में है, तो कभी भी निबंध अगर आप लिख रहे हैं और आपका 1000 शब्द का पहला निबंध है तो पहले 1000 शब्दों का ही निबंध लिखना चाहिए। 10 से 11 पेज में लिखा जाएगा ये निबंध। और ये लिखने के बाद आपके लगभग मान के चलिए कि 50 मार्क्स में से आपके लगभग अगर 30 मार्क्स या 25 में से 30 मार्क्स मिलेंगे, अच्छा लिखेंगे तो 25 में से 30 मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर बहुत नॉर्मल एवरेज भी लिखोगे, एवरेज लिखोगे तो आपके ज़्यादा नहीं नंबर आएंगे, 15 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लिखना है, अच्छा निबंध कैसे लिखना होता है, एडिटोरियल पढ़िए है, जनसत्ता के पढ़िए, नेशनल पे जनसत्ता हो जाएगा, ये दैनिक जागरण हो जाएगा। स्टेट लेवल की बात करेंगे तो पत्रिका पढ़ो या दैनिक भास्कर पढ़ो, जो भी आपको ठीक लगता है लोकल में, ठीक है। और फिर कुछ कोटेशन होती है, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, करंट अफेयर होता है, वर्तमान में सरकारी योजनाएं होती है, बहुत सारे उसके एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना चाहिए। तो आज का पहला इसका जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे कितने दिए, 4 दिए हैं और सभी के अर्थों में दिए, शिक्षा का निजीकरण, विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से चूज़ किया होगा इसको, आपका जो भी टॉपिक ठीक होगा। यहाँ पे देखिए शिक्षा संबंधित लिखा जा सकता था और एक ही विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता, इसके ऊपर लिखने में थोड़ी समस्या जाती क्योंकि शुरुआत तो आप कर लेते लेकिन बीच में फंस जाते कि यार अब क्या लिखूँ, तो 10 पेज इतनी आसानी से नहीं लिख पाते। निज भाषा उन्नति अहे या वाला भी आप लिख नहीं पाते क्योंकि ये थोड़ा सा दार्शनिक वाला लेवल हो जाता है और आपको ऐसे को आपको 10 पेज से खींचना, तो ये भी चीज़ नहीं हो पाती आपके साथ। तो 2 चीज़ आपको आराम से हो जाती है, एक राष्ट्र एक चुनाव और शिक्षा का निजीकरण। तो जिन लोगों ने ये दोनों अटेम्प्ट किया है उनको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। बाकी ये जो लोग हैं अच्छे से लिखा है आपने तो भी ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि 10-12 नंबर मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 250 शब्दों में निबंध लिखना है, अगले ये सब 25 मार्क्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, ठीक है ये अच्छा है। दूसरा बोल रहा है कि महानगरों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को बोल रहा है, ये भी लिखा जा सकता था। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म, ये छोड़ दो इसको, साइबर अपराध एक जटिल समस्या। तो दो जो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकते थे, जो मतलब साधारण सभी लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में बात की जा रही, और जिसका बहुत अच्छा नॉलेज है तो वो तो ये कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये 25 शब्दों में था, मतलब 25 अंकों का था, 250 शब्दों में, मतलब ये मान के चलिए 5 पेज के आसपास। फिर 250 शब्दों का है, तो यहाँ पे फिर नम्रता सर्वोच्च सद्गुण है, इसको दार्शनिक पहलू देना था थोड़ा सा, और वर्तमान से जोड़ते हुए एक मनुष्य प्रशासनिक लेवल और सभी, मतलब एक अच्छा सा निबंध लिखने के लिए आपको सारे उसके पहलू जो है वो समाहित करना था। जीवन में खेलों का महत्व तो बताना था, और फिर इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते थे कि जैसे हमारे यहाँ अवार्ड मिलते हैं, हम लोग एक नया स्कीम चालू किया खेलो इंडिया गेम्स, बहुत सारे लड़कियाँ लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सालों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो सब चीज़ें। और फिर एक शारीरिक मानसिक विकास भी होता है व्यक्ति का, ये सब चीज़ें आपको लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने शायद अटेम्प्ट किया होगा इसे। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का महत्व, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, इसका फैक्ट अपने दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का महत्व क्या है, इसमें पहले समझौता से लेकर के आपके फिर 2030 2047 2070 तक के जो आपके गोल हैं वो सब लिखे जा सकते थे, आराम से लिख सकते थे आप। 2047 भी आएगा उसमें, 2070 भी आएगा, ठीक है। तो नेट न्यूट्रलिटी, फिर उसके बाद आप ये है कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की जो सीमा है 0% करना है, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी इसमें और आराम से लिखा जा सकता था, ठीक है, कोई इशू नहीं आता इसमें। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्या, ये आपने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। पेपर 2 में आपको वरिष्ठ नागरिक से संबंधित समस्या है टॉपिक मिल जाता है, तो समस्या है तो योजना क्या चल रही है सरकार की, ठीक है, उनसे संबंधित विभिन्न पहलू जो चल रहे हैं वो सब आप लिख सकते थे। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। तो निबंध का पेपर आज इतना ही था और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग का अच्छा गया होगा। 2019 में संभावना है कि जो एडिशनल मेंस जिन्होंने दिया है लगभग 200 से 300 जितना भी लोगों का सिलेक्शन होता है देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1918 लोग मान के चलिए 1900 लोग वहाँ पर अवेलेबल है पहले से,
ये 200 300 ऐड करेंगे तो ये मान लीजिए लगभग जो 650 पोस्ट है तो इसका 3 गुना मान के चलिए, तो लगभग 1900 के आसपास ही आता है। तो ये 200 300 लेंगे, फिर उसका रिवाइज करेंगे, तो इसमें से हो सकता है 1900 में से भी कुछ लोग को बाहर किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं PSC क्या करता है। ठीक है, और हाँ, अब 2021 के मेंस वालों के लिए बात कर ली जाए कि 2021 वाले के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई इनके पास जुलाई को मेंस है, ठीक है, और मई में प्रीलिम्स है, तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बताइए। तो इसका एक ही तरीका है कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए 20% आपको चलाना होगा मेंस को, ठीक है, और 80% आप मई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस दे नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसी बेसिस के ऊपर आपको मतलब देखिए खासकर ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं कि जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, जो कोर सब्जेक्ट प्रीलिम्स में भी काम में आए आपके, उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, तो उनको कवर कीजिए इसी के साथ, ठीक है। तो इसी हिसाब से काम कीजिएगा, और अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।